जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब हम पहुंच गए हैं महेंद्र नगर म्यूजियम में, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ अंदर का व्यू। अब हमारे साथ सब लोग हैं, सोनू लोग अभी वो पार्किंग में खड़े हैं, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से अंदर। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ से अंदर को, अब देखते हैं यहाँ का क्या सिस्टम है। वहाँ तो टिकट वाला सिस्टम था, वहाँ से गए थे हम अंदर, यहाँ में पता नहीं है। अब देखते हैं, यहाँ से जाएंगे तब पता था। टिकट काउंटर है यहाँ से, यहाँ से एंट्री करेंगे फिर है, हाँ है टिकट काउंटर वहाँ पे, वहाँ से टिकट लेंगे फिर अंदर जाएंगे। मैं आपको अंदर का व्यू भी दिखाऊंगी। गर्मी ज़्यादा लग रही है बाहर, तो आप यहाँ अंदर बैठ सकते हैं। सब लोग घूम रहे हैं, ये देखिए देखो सागर यहाँ गोवा के बीच में लेटा हुआ एंजॉय कर रहा है। और प्रांजल हमारे थोड़ा सा परेशान है क्योंकि नेपाल हजूर के साथ पहुँची, नेपाल पहुँच गई है बिल्कुल। ब्लॉग बनाते बनाते मैडम हमारे म्यूजियम की गुफा में घुस चुके हैं। ये सब चीज़ें उल्टी हैं इसमें, देखो ये देखो ये देखो, ये उल्टा है क्योंकि ये बना ही ऐसा है उल्टा, और ऐसे करोगे तो सुल्टा बनेगा। ये म्यूजियम पूरा उल्टा है, उल्टा म्यूजियम कहते हैं इसको। और ये साइकिल में ऐसे लटका हुआ प्रांजल, प्रांजल इधर भी आ जाओ, क्या क्या लटक, ये देखो कुर्सी भी लटकी हुई उल्टी। इस म्यूजियम की खास बात यही है कि इसमें सब चीज़ उल्टा लगा हुआ है, तो उल्टा तो नहीं लगी हुई है मगर ये कुर्सी और ये सब उल्टे लगे हुए हैं रोटेट। ये देखो तकिया भी उल्टा लगा हुआ है, और डाइनिंग टेबल सब उल्टे उल्टे हैं। भाई ने भी अपना कारोबार संभाल दिया, दोनों पुत्र हमारे यानों में चल रहे हैं, पहुँच गए अंतरिक्ष में, चंद्रमा में पहुँचना चाहते हैं। अरे टूट टूट ये खराबी चल रही है, चलो चलो ठीक हो जाएगा। इनके साथ आज हेलीकॉप्टर में बैठने का भी सौभाग्य मिला, पीछे बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर है, ये सीधा काठमांडू उड़ने वाली आज लग रहा है। अब हम दूसरी जगह की ओर रवाना हो गए, जहाँ पर दिखेगा आपको पूरा भव्य एरोप्लेन। इधर बच्चों के लिए झूला, और ये खिलौने हैं, और ये छोटा सा, और एरोप्लेन की ओर हम जाते हुए। इतना सुंदर बना हुआ है पूरा एरोप्लेन, बच्चों के लिए घूमने के लिए तो बहुत ही मस्त है। यहाँ बच्चे एरोप्लेन में जाएंगे अभी बैठते हुए, और फुल एंजॉय लेंगे। बच्चे पहुँच चुके हैं, अब एरोप्लेन में चढ़ने की शुरुआत कर दी है, और ये चढ़े ऊपर। टिकट लेके चलना, टिकट बिना टिकट के कैसे जाओगे, नहीं तो आपको एयर हॉस्टेज रोक देगी, ठीक है ना। अड्डी देवता पहुँचे अब एरोप्लेन चलाने के लिए। अड्डी देवताओं ने आज बिल्कुल तगड़ी स्पीड बना दी है, अड्डी देवता को देखना पड़ेगा। इधर देख, आज ये चलाएंगे और हमें उड़ाएंगे, पता नहीं काठमांडू ले जाएंगे कहाँ ले जाएंगे। एयर हॉस्टेज कैप्टन साहब यहाँ पर वेट कर रहे हैं। हाँ, विमान से उतरते हुए ये सीधा लैंडिंग हुई इनकी सीधा नेपाल में। अब ये इंडिया वापस आने वाले हैं, पोखरा पहुंच गए थे ये, मगर गलती से पोखरी कॉटेज पहुंचे थे मगर पोखरा काठमांडू नेपाल पशुपति पहुंचने वाले थे, मगर ये विमान में कुछ खराबी होने के कारण ये रुक गया है यहाँ पर ही।